आजादी के बाद महात्मा गांधी का पहला सपना ग्राम स्वराज और स्वच्छता का था, लेकिन उन दिनों यह सपना सपना ही बनकर रह गया था, जिसे भारतीय जनता पार्टी का शासन शुरू होने पर वर्ष 2014 से स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शौचालयों का निर्माण, फिर नगर पालिका परिषद नगर पंचायत क्षेत्र में कचरा गाड़ियों व्यवस्था कराई गई, जो शहर और नगर में हर वार्ड में घूमकर गीला सूखा कचरा घर घर से इकट्ठा कर शहर के बाहर किसी निश्चित स्थान पर डालती है। लेकिन अब ग्राम पंचायतों में भी ऐसी ही व्यवस्था किए जाने का प्रयास किया जा रहा है। स्वच्छ भारत मिशन जिला पंचायत मंडला के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर पटले मैडम, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर रश्मि वर्मा और एनवायरमेंट इंजीनियर मनोज गडकरी ने समूह की महिलाओं को विविध प्रकार की जानकारियां एवं सुझाव और उससे होने वाले फायदों के बारे में बताए। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर मैडम पटले ने प्राइमिटी न्यूज ब्यूरो चीफ असगर जैदी मंडला को जानकारी देते हुए बताया कि मंडला जिले में 27 ग्राम पंचायतों को चुना गया है, जिसमें जनसंख्या की दृष्टि से जनपद पंचायत मंडला की ग्राम पंचायत देवदरा, जो जनसंख्या की दृष्टि से एशिया की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत है, जहां यह प्रयोग किया जा रहा है कि आने वाले समय में ग्राम पंचायत के माध्यम से 15वें वित्त की राशि से गाड़ी और जरूरत का हर कार्य किया जाए, जिसे समूह की महिलाएं संचालित करेंगी, जहां और वर्मी कंपोस्ट बनाया जाएगा, जिससे जो खाद निर्मित होगी उससे समूह की महिलाओं को फायदा भी मिलेगा। इसी प्रकार एनवायरमेंट इंजीनियर मनोज गडकरी एवं ब्लॉक कोऑर्डिनेटर रश्मि वर्मा ने भी महिलाओं को अपने अपने तरीके से समझाइश दी और बिजनेस के फायदे बताए, जिससे देश स्वच्छ और स्वस्थ होगा, वातावरण शुद्ध होने से बीमारियों का खात्मा होगा। इसके लिए आमजनों को भी जागरूक होना होगा। इस कार्यक्रम में ग्राम पंचायत देवदार पंचायत सरपंच, उप सरपंच और सचिव भूपत वरकड़े के साथ ग्राम पंचायत के पार्षद, रोजगार सहायक और कर्मचारीगण की उपस्थिति रही। मंडला से असगर जैदी की रिपोर्ट, प्राइमिटी न्यूज के अंतर्गत और 15 फाइनेंस के अंतर्गत। आपने क्या जानकारी ग्राम की समूह की महिलाओं को दिया, इसके बारे में थोड़ा अपना परिचय देते हुए बता दें। मैं रश्मि वर्मा, ब्लॉक समन्वयक स्वच्छ भारत मिशन जनपद पंचायत मंडला। मेरी ब्लॉक में, मेरी जनपद में 11 ग्राम पंचायतों में हम ठोस तरल अपशिष्ट प्रबंधन पर काम कर रहे हैं, और महिलाओं को ये जानकारी दी गई है कि जो महिलाएं रहती हैं, कचरा घर का बाहर फेंकना और कचरे को घर को साफ सफाई करना वो महिलाओं का ही काम रहता है। तो महिलाओं को बताया गया है कि अगर आप ही इसका संचालन करेंगे तो महिला को ज़्यादा अच्छे से समझा पाएगी कि आप कचरा, सूखा कचरे की दो डस्टबिन रखें घर में, एक गीला कचरा एक सूखा कचरा, कचरे को बाहर नहीं फेंकेंगी और जो गाड़ी आएगी उसमें कचरा डालेंगे, और आप लोग अगर इसको संचालन करेंगी महिलाएं ही तो उसको, इससे इन लोगों को इनकम भी होगी, खाद बनेगी, खाद बनने के बाद इन लोग जो काम करेंगी, गाड़ी ये खुद चलाएंगी, तो इन लोग से सारी महिलाओं को इससे इनको इनकम का सोर्स भी बताया गया है, और कचरे से जो हानि लाभ होते हैं वो सब बताया गया है। तो महिला संचालन करने के लिए आज महिलाओं को तैयार किया गया। थैंक यू। जैसा कि अभी बात चली कि महिलाओं के लिए गाड़ी की व्यवस्था की जाएगी, उसका जैसा कि आप आज ग्रामीण महिलाओं को, समूह वाली महिलाओं को जागरूक करने, स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के लिए ग्राम पंचायत देवदरा में उपस्थित हुई, तो आपने क्या इनको निर्देश और जानकारी दी, थोड़ा आप अपना परिचय देते हुए बता रहे हैं। मैं स्वच्छ भारत मिशन जिला पंचायत मंडला डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हूँ। मेरे साथ सर मनीष गडरिया जी सर हैं, रूर्बन से हैं। आज हम लोग पर्टिकुलर ऐसे इस उद्देश्य से नहीं आए थे कि हम लोग इनसे मिल सकेंगे, हमको तुरंत पता चला कि समूह की महिलाएं बैठी हुई हैं, तो हम इनसे मिलने के लिए चले आए जी। आज हमने जो इनसे चर्चा की, एक सिंपल हमारी चर्चा हुई है, अभी हमारी बातें हुई है इनसे, कि जो ग्राम पंचायतों में, क्योंकि ठोस अपशिष्ट तरल प्रबंधन का काम अभी जोर शोर से चल रहा है, और चूंकि नगर पालिका स्तर पर अभी ये चल रहा है, जिला पंचायत जिला मंडला में ऐसी 27 ग्राम पंचायतों का चयन किया गया, जिसमें देवधरा एक बहुत बड़ी ग्राम पंचायत है, जो जनसंख्या के मामले में शायद एशिया की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत है। यहाँ पे जो घरों से निकलने वाला वेस्ट है वो रास्तों में पड़ा हुआ है, तो इसको एक एकत्रित करके
और इसका सही उपयोग किस तरीके से करना है, इसके संबंध में हम समूह की महिलाओं से बात करने के लिए आए थे कि जो वेस्ट हमारे घरों में निकल रहा है, घरों से निकल रहा है और इसको रास्ते में फेंक दिया जाता है जिससे गंदगी फैलती है, पॉलीथीन अधिक उपयोग होती है, पॉलीथीन से कैसे हमारे यहाँ पे गंदगी बढ़ रही है, मतलब पशुओं के पेट में जा रही है और नालियों में इकट्ठा हो जा रही है और काफी समय तक वो बरसात में बाहर पड़ी रहती है तो कैसे पानी उसमें इकट्ठा होता है, कैसा गंदगी रहती है,